जहानाबाद लोकसभा सीटों पर एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी सुरेंद्र यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं और इन सबों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी मैदान में हैं, जो कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अभिषेक दांगी से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक ने। अभी हम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं और ऐसे में बता दें कि एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो मैदान में लगातार उतरे हुए हैं। जिस तरीके से देख रहे होंगे बिहार में जब से लोकसभा चुनाव के आगाज हुए देश में, उसके बाद जो तमाम जो प्रत्याशी हैं सड़क पे उतरे हुए हैं। ऐसे में मेरे साथ एक प्रत्याशी, उनसे बात करें। अभिषेक दांगी जी हैं, अब निर्दलीय मैदान में उतरे हुए, लगातार अभी से संघर्ष कर रहे हैं, आखिर मैदान में उतरने की वजह क्या हुई कि आप लोग चुनावी मैदान? वजह है क्षेत्र का बदहाली। इस क्षेत्र में मैं बचपन से मेरा आना जाना लगा रहा है और बचपन से मेरा उम्र का सर का आधा बाल खत्म हो गया, लेकिन क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, जैसे का तैसा क्षेत्र पड़ा हुआ है। अच्छा, क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, इतना जगह आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या आपको देखने को कमियां मिला? बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, बहुत सारे क्षेत्र में पीने की पानी तक है, पत्थर कट्टी एक जगह है। अभी कल हम एक हम लोग कल रात को थे, वो कौन सा गांव था जिसमें हम कल रात में थे, जो बच्चा पानी हम लोग को पिलाने में पानी पिलाने के लिए उनका हमारे सामने वो दिखा रहा है, कल देखिए हमारा सूखा हुआ है पानी का। नीतीश कुमार जी का एक प्रोजेक्ट है नल जल योजना, वो भी बदहाल है। उनका कहना है कि 15-15 दिन में एक दिन कभी पानी आ जाए किस्मत से, तो बहुत है। तो ये हालत है, अब चाहे गलती किसी की हो लेकिन खामियाजा तो जनता, नल जल योजना की भी बदहाली, बिल्कुल खामियाजा तो जनता ही भुगत रहा है ना। नल जल की योजना तो 5 साल पहले से देख रहा हूँ क्या है नहीं है। आज भी जहाँ जाएगा वहाँ लीकेज, जहाँ जाएगा वहाँ फूटा, इतना समय गड्ढा में गाड़ा हुआ, यही हाल है हर जगह पे। अच्छा, यहाँ पे जेडीयू की तरफ से पुराने ही कैंडिडेट पे भरोसा जताया गया और आरजेडी की तरफ जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की तरफ से सुरेंद्र यादव को मैदान में किया, किस तरीके से मुकाबला को देख रहे हैं आप? मुकाबला देखिए, मुकाबला तो जनता को देखना समझना है, वो कैंडिडेट देना पार्टी का काम है, पार्टी कैंडिडेट हमेशा देती है जिसको उनको महसूस होता है कि ये उनके लिए सही है, उनको देती है। तय जनता को करना है क्या वो उनके लिए सही हैं, अगर ये पीछे से जीते हुए जो एमपी हैं वो क्या जनता के लिए सही है नहीं, वो जनता तय करेगी। इसमें हमें कहना नहीं कहना कोई मतलब नहीं रहता है, हम अपने काम को अपने पक्ष को रखने के बीच में आए हैं जनता के, उसको हम मजबूती से रखेंगे और आगे का रास्ता तय। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की ओर से? रिस्पॉन्स देखिए, अभी मैं रिस्पॉन्स बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पक्ष को रख रहा हूं जनता के बीच में और अभी चुनाव में समय है, अभी मैं उस जो हर तरफ की समस्याओं को समझ रहा हूं, उस हिसाब से हम लोग क्या ब्लूप्रिंट बना सकते हैं इन चीज़ों को खत्म सॉल्व करने का। चुनाव में हार जीत अपनी जगह पर लगी रहती है, आप क्षेत्र के लिए कैसे काम आ सकते हैं उस पर मेरा मेन फोकस है। क्या क्या मैनिफेस्टो होगा अगर आप यहां से सांसद बने? मेरा मेन सबसे अगर मजबूत चीज़ अगर मेरे से पूछें तो क्षेत्र के अंदर रोजगार क्रिएट करना, पानी सिंचाई की समस्या को सुलझाना, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को सुलझाना, बहुत सारे मैं स्कूल घूमा जिसकी बिल्डिंग जर्जर है उसको सही करवाना, जिस पर एक तरह से हम लोगों का नज़र खींच सकते हैं बाहर के लोगों का, बिहार के लोग जो बाहर में संपन्न बैठे हैं उन लोगों को बिहार में अपना कंट्रीब्यूशन वो कैसे दे सकते हैं बिना यहाँ पहुँचे, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना, इस तरह के यूनिक आइडियाज के साथ मैं इस क्षेत्र में काम करना। अभी से क्षेत्र में घूम रहे हैं और उसके बाद कमियाँ देख रहे हैं, उसके बाद उसी अनुसार मैनिफेस्टो। मैं क्षेत्र में अभी से नहीं घूम रहा हूँ, मैं क्षेत्र में पिछले बार जब 2019 का चुनाव था तब मेरा उम्र 24 हुआ करता था, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन क्षेत्र की समस्या और परेशानी को समझने के लिए मैं तब से घूम रहा हूं और जब मैं समझ चुका हूं कि क्या क्या चीज़ों की समस्या है और कैसे इसको समाधान कर सकते हैं, तो पूरे ब्लूप्रिंट के साथ इस क्षेत्र में उतरा हूं और इस बार तो लड़ने का उम्र भी है तो मजबूती से लड़ाई होगी। मजबूती से लड़ाई होगी, बिल्कुल। मुकाबला को नहीं देख रहे हैं? मुकाबला क्षेत्र की जनता तय करती है, वो मुकाबला हमें नहीं तय करना है, हमें अपना पक्ष रखना है बस।